हेलो जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? सो गाइस, आज हम आए हैं गुरुद्वारे साहिब में और यहाँ पे लगा हुआ है 3 दिन का समागम, यानी 3 दिन का मेला लगा हुआ है जो कि जयपुर में होता है। यह है मेला हर साल लगता है और जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि वाहेगुरु के दरबार में कोई भी भूखा आता जरूर लेकिन भूखा जाता नहीं है। तो आप अगर मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम सतगुरु गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम सत सत वाहे गुरु, सतनाम जी वाहे गुरु जी, जपो नाम सत सतनाम जी वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम जी वाहे। गाइस,
आइए अब देखते हैं यहाँ का मेला कि मेले में क्या क्या चीजें यहाँ पे आई। मेले में यहाँ पे तलवार, केश, कड़ा, कंघा जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं वो सभी यहाँ पे आई है। दस्तार ले लीजिए और सिलाई वगैरह ले लीजिए और माला वगैरह ले लीजिए, मतलब हर तरीके की पूजा पाठ वाली यहाँ पे चीज़ें मिलेगी। कड़े वगैरह जो भी तस्वीरें वगैरह जितने भी मेले में जो आइटम्स होते हैं वो सभी यहाँ पे हैं। और ये जो साड़ी शॉप वो लगाने वाले आते हैं गाइस, ये दिल्ली से ही आते हैं और ये जयपुर का मेला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जयपुर हीरा की मोरी में ये हर साल मेला लगता है और जो कि बहुत ही जोर शोरों से लगता है। और इस मेले का सभी ना गाइस बहुत ही बेसब्री से वेट करते हैं। तो 3 दिन का मेला लगता है गाइस। तो फर्स्ट डे तो हम नहीं आए थे, आज सेकंड डे आए हैं। तो सेकंड डे आए हैं, फर्स्ट डे काम था तो नहीं आ पाए, तो सोचे कि आज चलते हैं। वैसे भी 3 दिन का मेला लगता है। आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में गाइस इंसान के पास सुकून तो है ही, बचा ही नहीं है कि इंसान को सुकून कहाँ से मिले। लेकिन ये जो हमारे मेला समागम लगते हैं, गुरु महाराज का मेला लगता है और इतने पाठ होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कथाएं होती है, बाणी होती है, तो मेरा तो यही मानना है कि सभी को जाना चाहिए, गुरु महाराज का पाठ सुनना चाहिए, शब्द सुनना चाहिए और कथाएँ भी सुननी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इंसान की रोज़मर्रा लाइफ में टेंशन इतनी बढ़ गई है आज के टाइम में कि लोग भगवान का रास्ता भूल ही गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि वाहेगुरु के दरबार में जाइए, कीर्तन सुनिए, पाठ सुनिए और सच्चे दिल से अगर कोई सुनता है तो बहुत सुकून मिलता है और टेंशन भी इंसान की कमी हो जाती है। तो मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगता है वाहेगुरु के दरबार में जाना, कीर्तन सुनना, पाठ सुनना। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लगा हुआ है मेला और मेले में बहुत सी चीज़ें आई हैं, केश, कड़ा, कंघा और तलवार वगैरह जो भी चीज़ें गाइस आती हैं मेले में वो सभी हैं। और ये देख सकते हैं ये बाहर स्क्रीन लगी हुई है और अंदर सारा मतलब जो आपको मैंने दिखाया था वो सभी सजा हुआ है, कीर्तन दरबार सजा हुआ है, लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और जिनको सुकून चाहिए होता है, गुरु महाराज के चरणों में ही सुकून होता है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है, बहुत ही लोग आते हैं। सो गाइस
गाइस आप ये जो पंडाल ऊपर देख रहे हैं, जो ये सजाया गया है, ये पूरा ही इस तरीके से सजाया जाता है कि पानी की अगर बारिश भी आ जाए तो एक बूंद भी पानी की अंदर नहीं आती है। इस तरीके से ये सब मैनेजमेंट किया जाता है इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे गुरु दरबार सजाया जाता है। और ऐसा होता है कितने भी तेज आंधी तूफान आ जाए फिर भी यहाँ पे एक बूंद पानी की भी नहीं आती है। और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं, बहुत ही मतलब प्यारा सा पंडाल सजाया जाता है। सो गाइस आपने एक बात तो सुनी होगी कि वाहेगुरु के दरबार में कोई भी भूखा आता जरूर है लेकिन भूखा जाता नहीं है। गुरुद्वारे साहिब में कहीं भी चले जाइए, चाहे छोटा गुरुद्वारा साहिब हो चाहे बड़ा गुरुद्वारा साहिब हो, वो हर जगह आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको अटूट लंगर बरताया जाता है। वो लंगर की सेवा वहाँ पे सबको मिलती है। कोई भी भूखा जाता है लेकिन भूखा आता नहीं है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो जो भी हो, सबके लिए गुरुद्वारा साहिब में एक ही समान होता है और सभी का एक ही वो होता है। गुरुद्वारा में ऐसा कुछ नहीं होता कि वीआईपी लाइन होती है, गुरुद्वारे में कोई वीआईपी लाइन नहीं होती है, सभी एक ही बराबर होते हैं, सभी एक समान होते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं The next day. Good morning guys. तो आज फिर से मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पहना है सूट और आज फिर हम जा रहे हैं दरबार साहिब में, गुरुद्वारे साहिब में। और देख सकते हैं आज है यहाँ का लास्ट, मतलब आज यहाँ पे समाप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कुछ फ्रेंड्स वगैरह आई हुई हैं जो कि वो सभी हमें मिल गई हैं और इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद में मिले हैं। तो यहाँ पे हम सभी एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं और गुरु घर के दरबार में कीर्तन भी कर रहे हैं। इधर देखो, चलो जाओ उधर तो जाओ। सारा तगो ऊपर तो गाते तो सोवत में आईया मालिक कल में हरे हर काईया, ये एक कर्म करोगे फिर नानक नाम चार दी कला तेरे पौने अपना इति कुंभ लेगा। ये क्यों भरोसा है कि ये भाषा नहीं भरोसा है। एक मिनट होर पाठ लाना, मैं धन्यवाद करांगा साढ़े सतमा इसके समारना। सो गाइस यहाँ पे समाप्ति होने वाली है और यहाँ पे गुरु महाराज जी के लिए पालकी जा रही है जो कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी है, वो एकदम Hey!
दया करो किसने पाओ दुबले पत्थर काले जीरा बिन बराबर तपे पीतल बगे काटी तो गुरु पूरा भेटियो सगले दूत बिनासे सो गाइस मैं बस वाहेगुरु जी से यही मांगूंगी कि वाहेगुरु जी हमें तंदुरुस्ती दे और जितनी भी हमारी लाइफ में मुसीबतें हैं उनको दूर करें और लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सबको दूर करें और लाइफ में मतलब अच्छे से लाइफ हो और तंदुरुस्ती दे और गुरु महाराज हमें इतनी बख्शीश दे कि हम गुरु घर की सेवा कर सकें और वाहेगुरु जी हमें हर खुशियाँ दें, जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है वाहेगुरु जी उनको दूर करें। बस यही अरदास करती हूँ कि वाहेगुरु जी का आशीर्वाद हमारे सर पर रहे और बस यही है कि अगले साल भी वाहेगुरु जी का जो मेला आए खुशी खुशी आए और हम इनका फिर से इंतज़ार करें। सो गाइस आज की वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।